वॉशिंग मशीन में लगी स्क्रू पेचकस से नहीं खुल रहा है। कई बार बहुत ही ज्यादा जाम और टाइट हो जाता है या फिर जंक लगने के कारण पेचकस से खोलते हैं तो मत्था भी खराब होने लगता है। तो आप अपने वॉशिंग मशीन में खराब जाम स्क्रू को कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। चलिए मैं आपको मेरे वॉशिंग मशीन के पास लेकर चलकर दिखाता हूं और आप अपने वॉशिंग मशीन की स्क्रू को कैसे खोलते हो ये देखते हैं। तो ये है हमारे पास वॉशिंग मशीन। तो हमने ले लिए हैं पेचकस, फॉर एग्जांपल्स दिखाएंगे, आप अपने वॉशिंग मशीन में जरूर ट्राई करके देख लेना। तो ये मान लो ये वाला स्क्रू है, आप देख पा रहे हो, जो कि जंक लग चुका है और टाइट हो गया है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, ये जो पेचकस होते हैं, पेचकस के ये जो मुंडी है उसको गर्म करेंगे, या तो फिर आपके घर में खीले वगैरह होंगे फ्रेंड, उसको गर्म करके पेंचिस से पकड़कर ये गरम गरम खीले को आप ये स्क्रू के मत्थे के ऊपर रखेंगे। तो जब ये खीला गरम हो गया है, साथ में इसकी जो गर्मी है वो स्क्रू में ट्रांसफर होगा, तो वहां पर वो जो जंक हो गए हैं और प्लास्टिक को नमी कर देगा, नरम कर देगा। तब आप अपने पेचकस का यूज करके उस स्क्रू को काफी सिंपल तरीके से खोल सकोगे, इस तरीके से। तो ये नरम होने का कारण जंक जो है और प्लास्टिक जो है नरम हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपने घर पर अपने वॉशिंग मशीन की खराब जाम टाइट स्क्रू को खोल सकते हो। बहुत सिंपल होते हैं, ट्राई करके देखना। अगर आपसे ये काम होता है तो इस वीडियो को आगे लोगों को भी शेयर करना। हम फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।